our next speaker, who is a remarkable educationist who has been educating young Christian seminary students across Pakistan since the past 15 years. She is currently doing her PhD from Oxford University as an Old Testament research scholar, specializing in Old Testament studies. Please join me in welcoming Professor Lubna Yunus as she shares her thoughts with us. In your big round of applause, Ms. Lubna Yunus. Good evening. And thank you so much for this invitation. Where is Amir? Yeah. Amir jo hai wo mere bade special student rahe shuru se. And I do remember ki jab Amir first year mein interview ke liye aaya, Bishop Saab was around there. So how he was speaking and first year and up to now, I knew that he will do a very, very big things, and is proved. Last year main Oxford mein thi apni study ke silsile mein, and aap log अच्छे सुनने वालों में और अच्छे कंट्रीब्यूशन करने वालों में से हैं. सो आपने सुना होगा कि ऑक्सफोर्ड में एक बड़ी अच्छी टॉक गई थी, एंड दैट वाज क्रिश्चियन कम्युनिटी इन पाकिस्तान. और वहाँ से बहुत अच्छे स्कॉलर्स पाकिस्तान से बल्कि ओवरसीज से भी इकट्ठे हुए थे. आई वाज वन ऑफ द स्पीकर देयर. केलॉग कॉलेज में था वो. बट यकीन जानने के मेरे दिल में एक क्रेविंग था, एंड आई वॉज थिंकिंग कि कब वो वक्त आएगा कि हम पाकिस्तान में इन चीज़ों पर बात करेंगे. एंड शायद कबूलियत का वक्त बड़ा नज़दीक था और खुदावंद ने इस बात को सुना. सो टुडे दिस इज़ अ ब्यूटीफुल डे हियर. सो वी आर होपिंग अभी जो भाई मेरे नेक्स्ट बैठे, सो वी वर टॉकिंग कि क्या ये चीज़ें वाकई पाकिस्तान में काम कर सकती हैं. एंड दैट्स व्हाट आई सेड टू हिम. बाय फेथ आई सेड आई कैन से यस. हमारा काम सिर्फ बीज लगाना है, उसको बढ़ाना खुदा का काम है. सो लेट्स सी के आज खुदावंद कैसे काम करते हैं ज़िंदगियों में. सो मुझसे रिक्वेस्ट की थी आमिर ने कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं. सो एक्चुअली हम पाकिस्तानियों के एक्सपीरियंस भी बाहर थोड़े से फ़नी चले जाते हैं, इतने वी स्ट्रगल फॉर मैनी मैनी वेज़. सो मैं आपको अपना एक इवेंट सुनाऊंगी. जब मैं यूएसए में स्टडी कर रही थी, सो हमारे जितने बहन भाई यूएस में होके आए हैं, दिनों के जो थैंक्स गिविंग है वो बहुत हैक्टिक हो जाता है. सो मैं सेमिनरी स्टूडेंट थी वहाँ पे. सो मेरी फ्रेंड ने मुझे एक इनविटेशन दी, तो मुझे मिशिगन से एरिजोना में ट्रैवल करना था. सो थैंक्स गिविंग वॉज टोटली पैक्ड, एंड ऑफ कोर्स वहाँ पे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में भी मुझे पासपोर्ट लेके जाना था, एंड आई वेंट विद माई पासपोर्ट. अमेरिका का जो आपको पता है डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, दे आर क्रेजी. वो आपके हाथ ऊपर करवा देते हैं, शूज़ उतरवाते हैं, बेल्ट निकाल देते हैं, इवन पानी फिकवा देते हैं आपका. सो वो ऐसा लगता है कि पता नहीं आप शायद जहाज पे जा रहे हैं. पर वेरी वेरी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी इज़ देयर. सो वेल दे रिक्वेस्टेड मी कि मैम यू आर सेलेक्टेड फॉर द स्पेशल चेकिंग, एंड आई न्यू कि व्हाट इज़ द बैकग्राउंड. सो दे सेड कि आपने जो जीन्स पहनी है ना, उस पर मेटल लगा हुआ है और वो जो क्लिक हो रहा है हमें, सो वी नीड टू चेक इट. आई सेड ओके, एंड दे टुक मी सेपरेटली और थॉरली चेकिंग की उन्होंने. थोड़ी देर बाद जब मैं बैठ गई उधर, आई वॉज़ रीडिंग माई बुक, और कैन यू बिलीव के तकरीबन दो डॉग्स वो आगे पीछे फिरा रहे थे. वो अच्छे लोग हैं, प्रिटेंड नहीं कर रहे थे कि दे आर चेकिंग मी. बट बड़ी थॉरो चेकिंग के बाद मैं एयरपोर्ट से एरिज़ोना गई. बट द वन थिंग आई रियलाइज्ड कि मेरे पासपोर्ट पे यूके के यू नो के एजुकेशन सिस्टम में नहीं लिखा होता, पर जब आप यूएसए में स्टडी करने जाते हैं तो आपके वीज़ा पे आपकी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है. So there was clear student from theological seminary western. No one bother ki she is Christian aur jo hai wo theological study ke liye aayi hai. Balki hamare to passport ka ek page turn kare to stamp lagi hui hai ki Christians hain hum. Kisi ne check hi nahi kiya. And there I realized ki asli Pakistani to hum Pakistan se bahar nikal gaye. And believe me, after a week contextualization ki hamari class thi, and a professor of New Testament, he said to me ke wow, we a for you because we know that there's a lot of discrimination in Pakistan. I said there is, but mera khayal hai ke jo US ka ya baki thodi si countries hai hamari, maine kaha ke wahan ka discrimination ek dusre level pe jata hai. maine kaha yahan pe jo mujhe wo airport pe alada kiya gaya tha wo passport ki wajah se kiya gaya. they never saw ke mera jo वीज़ा है वो किस चीज़ पे इशू हुआ है, और मेरी आइडेंटिटी क्या है या व्हाट्स गोइंग ऑन, मेरा रिलीजन क्या है,
वो मुझे जस्ट पासपोर्ट पे अलहदा करके पाकिस्तानी कर दिया गया था। मैं कि पाकिस्तान में मुझसे नहीं कोई पूछता कि मैं कौन हूँ क्या, बिकॉज स्किन सेम है, सब कुछ सेम है हमारा। हाँ कहीं पे पता लग जाए क्रिश्चियन है, थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, मगर अमेरिका में तो मुझे अपनी स्किन चेंज करनी पड़ जाएगी। सो आई एम मोर ब्लेस्ड इन पाकिस्तान, दैट्स व्हाट आई रिप्लाइड। सो जस्ट वॉन्ट टू से टू माई ब्रदर एंड सिस्टर्स कि बाज़ औक़ात ये सोचा जाता है कि मे बी जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है उनको एडवांटेजेस हैं बाहर। सो हकीकत में ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि सबसे कम वीज़ा जो है वो मुझे लगता है हमारे ही लगता है हमें बहुत ड्रैग किया जाता है। वन ऑफ माई कोलीग, अभी हम बैंकॉक जा रहे थे जनवरी में, सो क्या हर्डल है कि उसको वीज़ा भी मिल गया है, स्कॉलरशिप है, और उसको टिकट भी इशू हो गया है, उसको ऑफ बोर्ड कर दिए, अब बैंकॉक नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे बहुत से क्रिश्चियन असाइलम लेके बैठे हुए। एंड दैट वाज अ रियली रियली थिंग फॉर मी कि ओके ये भी हो रहा है। वेल जस्ट टू ऐड एंड वन पॉइंट मोर, पहले अभी जैसे बच्ची ने जिक्र किया कि मैं PhD की स्टडी कर रही हूँ, सो मुझे कुछ इंटरव्यूज़ करने पड़े जिसमें मेरा जो मेन सब्जेक्ट है दिस इज सोशल जस्टिस, एंड आई नीडेड टू आस्क दैट व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पाकिस्तानी थिंकिंग ऑफ सोशल जस्टिस। और मेरा था कि मे बी मैं चर्च लीडर से और अपने कॉन्ग्रीगेशन मेंबर से पूछ रही हूँ, सो आई विल फाइंड समथिंग वेरी सॉलिड बिब्लिकल। बिलीव मी हाफ ऑफ क्वेश्चंस लाइक जो आंसर थे मेरे पास इट वाज मोर अबाउट इस्लामिक थियोलॉजी। सो द थिंक इज दिस कि जो आपको वेस्ट में क्रिश्चियनिटी नज़र आती है वो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। द थिंक इज दिस कि हम कभी सोचते हैं ना कि हम कॉमन ग्राउंड से बात करें। सो कॉमन ग्राउंड मेरे बहन भाई जो बैठे हुए हैं यहाँ पे क्रिश्चियंस एंड ऑफ कोर्स मेजॉरिटी रिलीजन एज वेल, आप एक चीज़ ऑब्जर्व करें, जब आप वेस्ट के चर्च में जाएंगे आपको खवातीन सर ढांपे नहीं मिलेंगी, आपको वहाँ लोग बगैर शूज़ के एंटर होते नहीं दिखेंगे, ठीक है। और जिस तरह हमारा बैठने का स्टाइल है चर्च में, हमारे लिए भी वो ब्लास्फेमी हो जाता है कि कोई बाइबल नीचे रख दे, दैट्स रियली रियली पेनफुल। सो जिस तरह से हमारी इवन वुमेन लीडरशिप पे बात की जाती है उसमें भी ख़ास जो इम्पैक्ट नज़र आता है वो हमें इस्लामिक थियोलॉजी का नज़र आता है। सो द थिंक इज़ दिस कि जब मैं बात करती इंसाफ की, सोशल जस्टिस की, सो बिलीव मी 70% जो थाट्स थी दैट वॉज बेस्ड ऑन इस्लामिक थियोलॉजी। और उसके बाद आ जाता है हमारा कल्चरल एंड ट्रेडिशनल थिंकिंग, वो हमारी सेम जाती है। हम बाज़ औक़ात मज़हब को बहुत पीछे छोड़ जाते हैं, जो हमारे बाबूजदाद ने कहा है हम उस पर पैर रख लेते हैं, और शायद वो बाइबल से, कुरान से, गीता की टीचिंग से कहीं ऊपर चला जाता है। सो कल्चरली एंड सोशली वी आर सेम पीपल, सो आई थिंक वी हैव मल्टीपल ग्राउंड टू स्टेप इन एंड गो अहेड। अनदर थिंग आई वॉन्ट टू एड अबाउट आर एजुकेशन सिस्टम, क्योंकि एजुकेशन हूँ मैं, सो आई थिंक वो ज़्यादा हो जाएगी मैं इस चीज़ पर बात ना करूँ। सो रिसेंटली मैंने अच्छी कोटेशन पढ़ी, उसने कहा कि एक पर्सन ने, हमारे ज़्यादा लोग जो हैं वो इग्नोरेंट रह जाते हैं, जाहिल रह जाते हैं, क्योंकि वो स्कूल्स में नहीं जाते। उसी पर्सन ने ऐड किया, उससे ज़्यादा जाहिल रह जाते हैं जो स्कूलों में जाके जो निसाब पढ़ाया जाता है उसकी वजह से। सो स्कूल एक जर्नल थिंक एंड आई नो कि हमें बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मगर उससे कहीं ज़्यादा हमें अपने मदरसों में ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की, और हमारी सेमिनरीज में ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। द थिंक इज़ दिस कि जो निसाब यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो बड़ा स्ट्रॉन्गली रिवाइज्ड होना मांग रहा है, और जो पढ़ा रहे हैं वो भी दे नीड अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रिविजन एंड दे नीड हायर एजुकेशन फॉर दिस। अदरवाइज जो है वो हम स्टेप इन कर रहे हैं और सॉरी टू से मज़ीद जहालत को फैला रहे हैं। और इसके लिए मैं आपसे, जो हमारे मेजॉरिटी रिलीजन के बहन भाई बैठे हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि बी विद अस, क्यों ना अगर कराची यूनिवर्सिटी में क्रिश्चियनिटी पढ़ाई जा रही है तो हम में से कोई जाके पढ़ाए, रादर देन एक सेकंड हैंड एजुकेशन हम हासिल करके मज़ीद कुछ बिगाड़ के सीख के वहाँ से निकल आएँ। वाई नॉट सेमिनरी में मुफ्ती साहब आएँ और वो इस्लामिक कॉन्सेप्ट हमें दे के जाएँ। रिसेंटली मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी ऑक्सफोर्ड में, एंड बिकॉज एज ए PhD स्कॉलर आई एम फाउंड ऑफ बुक्स, पाकिस्तान में बड़ी मुश्किल से किताबें मिलती हैं, एंड आई रिक्वेस्टेड दैट वी नीड बुक्स एंड दे प्रोमिस टू गिव अस 10,000 बुक्स। इट्स अ बिग अचीवमेंट, बट यहाँ पे जो पोर्ट ड्रैग कर रहा है, जो टैक्सेस ड्रैग कर रहे हैं, किस किस्म का मुआद है उसको ड्रैग किया जा रहा है हमें,
सो आई वॉज थिंकिंग कि वाई नॉट, अगर यही एक क्रिश्चियनिटी का डिपार्टमेंट कराची यूनिवर्सिटी में होता तो हम हैंड टू हैंड बुक्स को मंगवाते, इकट्ठे बैठ के पढ़ते, एंड दैट्स हाउ वी कैन वर्क टुगेदर. सो आई वॉन्ट टू वाइंड अप माई टॉक हेयर, एंड अगेन आई विल सी, अगेन आई कैन से कि हमारे जो लोग यहाँ बैठे हैं और एक्सपोजर लेके बैठे हैं, बड़े कीमती लोग हैं, बिकॉज दे लव पाकिस्तान. मैं ये नहीं कहती कि जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं दे डोंट लव पाकिस्तान, बट जो डेली हम जीते मरते हैं ना, दैट्स द टेस्टिमनी, एंड वही खूबसूरती है कि हम वी कैन गो टुगेदर. और बाय फेथ आई कैन से कि आज का प्रोग्राम विल बी सोर्स ऑफ ब्लेसिंग. थैंक यू सो मच.